रोजाना इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कल मैं एक प्रोग्राम, वो मुझे किसी ने बताया कि वो लाइव शो में एकदम वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जज्बाती हो गए, चले गए। ठीक है, वो उनका अपना मसला है, मुझे किसी की जात या शख्सियत से वो नहीं। लेकिन जो एक वो फिर मैंने भी देखा, जब वो खबरें फैलती है तो हमने भी यूट्यूब पे देखा, वो तो वो जो इतना सेंसिटिव बना लिया इस मसले को। हालांकि मैं समझता हूं कि उफ वहां जितने लोग बैठे हैं, सुनने वाले भी और जिन पर भी तोहमतें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख नहीं है, सब आशिक हैं। सिर्फ जबान की गलतियों को, थोड़ा सा ताबीर की गलतियों को ऐसा पकड़ा जा रहा है और इसे तौहीन रिसालत का मसला बनाकर उम्मत में तफरीका और जज्बातीत को फैलाया जा रहा है। इससे गैर मुस्लिम हंसेगा, बोलेगा ये ऐसी ऐसी। डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे के पीछे पड़ गए हाथ धो के। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शायद कहीं बयान में कहीं मुर्दा का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि नामुनासिब लफ्ज है, बिल्कुल जायज नहीं है। अब वो एक अहले हदीस आलिम सफाई बयान कर रहे हैं कि भाई वो उसको उर्दू इतनी अच्छी नहीं है उसकी। हमें पता है डॉक्टर जाकिर नाइक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं है। अगर नबी से नफरत करते तो इस्लाम की इतनी तबलीग क्यों कर रहे होते वो? वो विचारों को उर्दू सही, मैं भी उनसे मिला हूं ना, उर्दू में थोड़ी कमजोरी है उनके, वो बंबई वाली उर्दू ना, वो अभी वो बंबई के लोग जैसे उर्दू बोलते हैं ना, बोले तो इस तरह टाइप किया, वो बोलते हैं ना बंबई वाले, छोड़ो भी कैसे बोलते हैं, अभी ये मसला चल रहा है। तो वो नहीं, उनकी जिंदगी अंग्रेजी में, अंग्रेजी बोलते हुए गुजरी है। तो एक लफ्ज उनकी जबान से ऐसा निकल गया, अब पूरी दुनिया ने तोपों का रुख माफ करने के लिए तैयार नहीं, इतना ज्यादा जज्बाती होने की। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम